यस लिए? मैम। चलिए, कल की क्लास में हम लोगों ने कुछ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की बात करी थी। मेजरली हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है एडिशन ऑफ HX टू एल्कीन, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है एडिशन ऑफ X2 ऑन एल्कीन, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। और हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में भी हमने तीन चीजें स्टडी करी हैं। हम लोगों ने स्टडी किया है एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, हम लोगों ने स्टडी किया है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और हम लोगों ने स्टडी किया है हाइड्रोक्यूरेशन ऑक्सीडेशन। साथ साथ हमने इन सारे रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी एनालाइज कर लिया है कि कहाँ पे सिनेडिशन हो रहा है, कहाँ पे एंटी एडिशन हो रहा है, कहाँ पे ऐसा हो रहा है कि अगर आप सिस एल्कीन ले रहे हो और एंटी एडिशन करा रहे हो तो रेसिपी मिल रहा है, मीजो मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सारी स्टीरियोकेमिस्ट्री हमने देख ली है। स्टीरियोकेमिस्ट्री से प्रोडक्ट्स कितने बन सकते हैं वो देख लिए है, और काफी सारे कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट्स भी जहां जहां जरूरत पड़े वो लोग वो सारी चीजें हम लोगों ने जो है स्टडी कर ली है। आज हम थोड़ा सा और डिटेल स्टडी करेंगे और कुछ तरीके के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, बट उससे पहले थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स से बेटा मेरे पास एक क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, आपको एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन का जो है ऑर्डर बताना है रेट का। और उसके लिए लेट से हमारे पास फर्स्ट जो है उसमें हमारे पास कुछ ये इस तरीके का एल्कीन है, सेकेंड केस में हमारे पास कुछ इस तरीके का एल्कीन है, थर्ड में हमारे पास कुछ इस तरीके का एल्कीन है। वी हैव टू कंपेयर द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, ये फर्स्ट पार्ट है, उसको ले लेते हैं लेट्स से ए पार्ट। अब आते हैं बी पार्ट पे जिसमें कुछ इस तरीके का एल्कीन है, फर्स्ट एल्कीन मेरा कुछ इस प्रकार है, सेकेंड एल्कीन मेरा जो है इस तरीके से। सी पार्ट पे आते हैं, इसमें हमारे पास कुछ इस तरीके से एल्कीन है, फर्स्ट सेकेंड एल्कीन मेरे पास है ये। डी पार्ट पे आते हैं लेट्स से, सेकेंड में मेरे पास है इस तरीके का। मुझे सारे ए से लेके डी पार्ट में ऑर्डर ऑफ वो बताना है कि एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन का ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले आप लोग ये बताइए मुझे एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन जो है वो किस तरीके का मैकेनिज्म फॉलो करता है। वो एक कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के थ्रू जाता है, ये हम लोगों को याद है, हमने कल की क्लास में पढ़ा है। तो जब कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है तो ये मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि जब कार्बोकैटायन फॉर्मेशन वाला जो स्टेप होता है जिस पर कार्बोकैटायन बन रहा होता है वही हमारा आरडीएस स्टेप होता है रिएक्शन का, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है मैं कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के बेसिस पे देखूंगी कि जो सबसे अच्छा कार्बोकैटायन बनाएगा वो सबसे स्ट्रॉन्गर जो है एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ रेट ऑफ रिएक्शन जो है शो करेगा, सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन उसी का होगा। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि आपको क्या लगता है फर्स्ट ए पार्ट में ऑर्डर ऑफ एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन का क्या होगा, सोच के बताइए किसका सबसे हाईएस्ट होना चाहिए। फर्स्ट का, सेकंड का या थर्ड का, सृष्टि कुछ बता सकती है? अस्मी या फिर प्रतीक, देखिए अगर हम इसमें, हाँ जी कोई कुछ बता सकता है?
राउंड वन का सबसे ज्यादा रेट होगा, फिर मैम फिर थ्री और फिर टू। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, हमने गलत बताया, कुछ गड़बड़ करिए, क्या गड़बड़ करिए सोचना है, गड़बड़ करिए बेटा। नो डाउट यहाँ पे कार्बोकेटाइन काफी स्टेबल होने वाला है, वाई, क्योंकि जब ये एल्कीन टूटेगा तो कार्बोकेटाइन ये बनेगा, द कार्बोकेटाइन वुड बी 3 डिग्री, राइट, कार्बोकेटाइन 3 डिग्री होने वाला है, यहाँ पे प्लस लगा सकते हैं। बट यहाँ बताइए यहाँ पर क्या होगा, इस केस में भी कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, बट हम जो यहाँ पे मिस आउट करें वो ये है कि ये जो ओ सी एच थ्री है ये दो तरीके की इफेक्ट शो करता है, एक माइनस आई और एक प्लस एम। बट इस पर्टिकुलर केस में हम नोटिस करेंगे कि प्लस एम जो होगा इसका डोमिनेट करेगा माइनस आई के ऊपर, क्यों, क्योंकि एक बार सोचिए अगर यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा तो वो कैसा बनेगा, कार्बोकेटाइन वुड बी लाइक दिस, लेट्स से यहाँ पे मैंने एच लगा दिया, तो यहाँ बना कार्बोकेटाइन जिसपे एक है सी एच थ्री और एक जगह आ गया ओ सी एच थ्री। नाउ कैन यू सी देयर इज अ कंजुगेशन बिटवीन लोन पेयर सिंगल बॉन्ड एंड अ पॉजिटिव चार्ज, तो आप रोक ही नहीं सकते, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स नीचे जाएंगे और ये ओ सी एच थ्री प्लस एम की वजह से यहाँ पे कार्बोकेटाइन को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। जबकि यहाँ अगर आप नोटिस करेंगे यही ओ सी एच थ्री ग्रुप है बट वो काफी दूर हो गया, मतलब एक कार्बन दूर हो गया, तो जब एक कार्बन दूर हो गया तो कॉन्जुगेशन नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, देखिए ये हो गया सी एच थ्री, यह हो गया सी एच टू ओ सी एच थ्री। ना आप देख सकते हैं कॉन्जुगेशन नहीं हो पा रहा, क्यों, क्योंकि लोन पे और पॉजिटिव चार्ज के बीच में दो सिंगल बॉन्ड आ गए। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ जो ओ सी एच थ्री लग रहा है वो माइनस आई शो कर रहा होगा, जबकि यहाँ जो ओ सी एच थ्री लग रहा है वो प्लस एम शो कर रहा होगा, और यहाँ पे कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो प्लस एम शो करे। एंड नेवरदलेस ये हमेशा याद रखिए प्लस एम ओ एच का ओ सी एच थ्री का एन एच टू का काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा प्लस एम शो करते हैं बिकॉज इनके पास लोन पेयर होते हैं। तो इस बेसिस पे जो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वो सेकेंड वाला बनेगा मेरा, फिर नो डाउट फर्स्ट वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और सबसे कम स्टेबल मेरा कौन सा होगा बेटा, थर्ड कार्बोकेटाइन। ये बात सबको समझ आई, तो ये आप कभी भी गलती से मत सोचना कि ओ सी एच थ्री तो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, बिल्कुल करता है ओ सी एच थ्री माइनस आई इफेक्ट, बट उसके साथ प्लस एम भी शो करता है। अब ये डिपेंड करता है कि ओ सी एच थ्री की पोजिशन क्या है, ओ आर की पोजिशन क्या है, ओ एच की पोजिशन क्या है, पोजीशन के बेसिस पे ही फिर फर्दर डिसाइड होगा कि इसका माइनस आई डोमिनेट कर रहा है या फिर इसका प्लस एम डोमिनेट कर रहा है। यहां तक बात समझ आए, तो ये बात तो पक्की, इन सब में हम लोग जो चेक कर रहे हैं वो है वी आर चेकिंग कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, बट कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं बेटा। आप लोगों ने जीओसी का वीडियो अगर नहीं देखा तो, हालांकि जीओसी तो पढ़ा तो था ही, बट अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो देख सकते हैं मेरी जीओसी की जो प्रेजेंट है, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो आपका मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपोकॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, इनसे भी ऊपर कुछ फैक्टर होता है जैसे एरोमेटाइजेशन, अगर एरोमेटिक बन गया कार्बोकेटाइन, ऐसे फैक्टर, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अबव हाइपरकॉन्जुगेशन वर्क करते हैं। तो जस्ट बिकॉज सीइंग कि ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा हम ऐसे छूटते नहीं बोल सकते कि भाई यही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, हालांकि ये 3 डिग्री नहीं है यहाँ पे, ये 2 डिग्री है, बट प्लस एम इसका इतना ज्यादा होगा कि आप इसको बीट ही नहीं कर सकते। यहां तक बात सबको क्लियर हुई, अब आते हैं इन दो केसेस में। अगेन ये सिंपल केसेस है, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी देखना है, यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनेगा चाहे यहाँ बने चाहे ये बने, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा, बट यहाँ पे ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे बना ही सकते, तो यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है कि सेकेंड ज्यादा बेटर रेट शो करेगा देन फर्स्ट। नाउ लेट्स कम हियर, वी हैव बेंजीन एंड अ नॉर्मल साइक्लोहेक्सीन, राइट, पहले बेंजीन की बात करते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, हालांकि अगर आप ध्यान देते हैं तो जब भी हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करे हैं, तो हम लोगों ने कल ही शायद क्लास में ये लोग डिस्कस कर रहे थे हम लोग, कि जब अक्षत ने पूछा था कि एल्कीन पे रिएक्शन हो ही क्यों रही है, राइट, Br2 की रिएक्शन क्यों हो रही है जब कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है या कुछ समथिंग लाइक दैट, तो हमने क्या रीजन बताया था कि एल्कीन के ऊपर अगर मैं कोई रिएक्शन करा रही हूँ किसी इलेक्ट्रोफाइल का या किसी भी का, तो रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है, इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है कि इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होना, और ये जो एल्कीन है इसमें पाई बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन रिच होना, यही इसका ड्राइविंग फोर्स है, यही अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच में, तभी मेरा रिएक्शन हो रहा है।
बट अगर मैं इसी पैरामीटर को ध्यान दूंगी तो आप अगर यहाँ आएंगे बेंजीन और साइक्लोहेक्सीन की अगर आप बात करेंगे तो आप देखेंगे बेंजीन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. क्यों? क्योंकि बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड्स हैं एंड ऑफ कोर्स नो डाउट बेंजीन इज मोर इलेक्ट्रॉन रिचर देन साइक्लोहेक्सीन. बट स्टिल यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो साइक्लोहेक्सीन का काफी ज्यादा होता है बेंजीन से. Point arises कि why benzene is not showing a stronger reaction. Like benzene पे अगर मैं electrophilic addition reaction करती हूँ तो इस तरीके का reaction benzene पे जैसे आपने एक electrophile add किया ऐसा कोई भी reaction benzene पे नहीं होता. यहाँ note करेंगे benzene even though has high electron density electron density uski kafi zyada hai does not show any kind of electrophilic addition reaction ea reaction electrophilic addition reaction wo nahi deta hai. matlab benzene pe agar main chahu hcl add karu aur reaction ho jaye wo nahi hoga. main benzene pe h plus water add karu reaction nahi hoga. there will be no reaction. benzene does not give us the normal reaction and alkene does. and the only reason is benzene is highly stable because it is aromatic in nature. और अगर benzene ने अपना एक भी pi bond हटाया addition reaction में वो गई pi bond हटाया in that case उसके aromaticity खराब हो जाएगी. जैसे आप यहाँ देखेंगे कि benzene यहाँ तो aromatic है बट यहाँ आप देखेंगे दिस सिस्टम इज नॉन एरोमेटिक. क्यों? क्योंकि इस सिस्टम में प्लेनैरिटी नहीं रही है. ये दोनों ही कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो गए हैं और प्लेनैरिटी अगर नहीं होती तो मेरा कंपाउंड डायरेक्टली क्या बनता बेटा? नॉन एरोमेटिक. और एरोमेटिक से कई ज्यादा मतलब एरोमेटिक कई ज्यादा नॉन एरोमेटिक से स्टेबल होता है. तो किसी भी हद में बेंजीन हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देगा. तो यहाँ पे वही कंसेप्ट लग रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन या एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऐसा कोई भी रिएक्शन बेंजीन पर नहीं होता है बिकॉज ऑलरेडी बेंजीन इज हाईली स्टेबल बिकॉज ऑफ इट्स एरोमेटिसिटी. राइट नाउ लेट्स कम हियर टुवर्ड्स दिस पार्ट. क्या लगता है हमें कहां पर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा? आपको सोचना चाहिए. व्हाट डू यू थिंक कि कहां पर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा यहाँ पे? अक्षर बता सकता है हमें? लावण्या कुछ बता सकती है? मैम सेकेंड वाले पार्ट में ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे. ओके अस्मी का कोई टेक या प्रतीक का कोई टेक? वन ज्यादा होगा टू से. वन का ज्यादा होगा. वन का ज्यादा क्यों होगा? वन का ज्यादा क्योंकि इस केस में पिछले केस में तो ऑलरेडी स्टेबल था लेकिन बी वाले केस में स्टेबल नहीं है. इसमें रेजोनेंस अभी भी हो सकती है तो इसीलिए मैम वन ज्यादा स्टेबल नहीं है. रेजोनेंस हो सकती है टू. अगर रेजोनेंस हो सकती है तो स्टेबल हुआ. है ना? तुम समझी मेरी बात? Yes, ma'am. तो ये एक्चुअली मैं तुम लोगों को क्यों बोलती हूँ जवाब देने के लिए उसका रीजन यही है कि मैं जानना चाहती हूँ एग्जैक्टली कि तुम्हारे को वो चीज एकदम स्ट्राइक करनी चाहिए जो जो हमें पता है ना कि भाई इसका सही आंसर ये है तो हम देखते ही स्ट्राइक करते हैं ना दिमाग में अच्छा हाँ ये होगा. तो कौन सा फैक्टर स्ट्राइक कर रहा है वो जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर वो जान लिया ना ऑर्गेनिक तुम्हारे हाथ में आए है ना तो यार थोड़ा सा सोचो रीथिंक करो कैसा क्यों. प्रतीक क्या लगता है क्यों फर्स्ट ज्यादा होगा सेकंड से? इसमें ये जो वन वाला वो आराम से एरोमेटिक बन सकता है. मतलब बेटा एरोमेटिक कैसे बनेगा? यहाँ पे तो डबल बॉन्ड पे एडिशन करा रहे हैं हम तो एरोमेटिक कैसे बनेगा? वो तो एलिमिनेशन थोड़ी करा रही हूँ मैं. पाई बॉन्ड मैं लेकर नहीं मतलब सही बोल रहा है तो बन सकता है लेकिन वो एलिमिनेशन रिएक्शन से बनेगा ना जब यहाँ पाई बॉन्ड आएगा. तो मैं जो रिएक्शन अभी मैं करा रही हूँ वो है पाई रिएक्शन. पाई बॉन्ड में हटाऊंगी उसकी जगह सिंगल बॉन्ड्स बनाऊंगी तो क्या होगा?
नो प्रतीक, आई कैन नॉट हियर यू। वसुंधरा को क्या लगता है? मैम सेकंड वाला होगा। नहीं, आंसर तो यही है बेटा, फर्स्ट शोइंग अ ग्रेटर रेट देन सेकंड। नाउ लेट्स एनालाइज व्हाई। जस्ट बी वेरी क्लियर विद द थॉट्स, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आपको सबसे पहले तो आपको बताओ, ये कोई बंदा एरोमेटिक तो है नहीं, है ना? बेंजीन तो एरोमेटिक था, ये तो एरोमेटिक नहीं है, तो ऑलरेडी नॉन एरोमेटिक है, तो इस पर रिएक्शन तो हो सकती है। बट अगर मैंने इसमें एडिशन रिएक्शन कराया, लेट्स से HCl का या जैसे H प्लस वाटर का करा रही हूँ, तो उस केस में सबसे पहले क्या बनता है बेटा? कार्बोकैटायन। जस्ट डिसाइड कि अगर मैंने एक बॉन्ड तोड़ा भी सही, पाई बॉन्ड एक तो एज इट इज रहा, तो जो कार्बोकैटायन बनेगा इजंट इट मोर स्टेबल बिकॉज दिस कार्बोकैटायन इज एलाइलिक। क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे पाई बॉन्ड तोड़ोगे, एक जगह H लगाओगे और एक कार्बोकैटायन बनाओगे, तो आपको नहीं लग रहा कि कार्बोकैटायन फर्दर रेजोनेंस पे जा सकता है पाई बॉन्ड के साथ? और अगर वो रेजोनेंस पे जाएगा, मतलब ये कार्बोकैटायन अपने आप को स्टेबल करेगा एलाइलिक बनके। बट अगर यहाँ पे नॉर्मल एल्कीन पे मैं एक कार्बोकैटायन बनाऊं, तो ये कार्बोकैटायन खाली 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, बट ये 2 डिग्री है रेजोनेंस के साथ स्टेबलाइज हो जाएगा। बट क्या ये 2 डिग्री में कोई स्टेबलाइजेशन है? नहीं है। तो यहाँ फर्स्ट ज्यादा रेट दे रहा है सेकंड से, क्यों? क्योंकि फर्स्ट में आप चाहे ये बॉन्ड तोड़ो चाहे ये बॉन्ड तोड़ो, कोई भी एक बॉन्ड तोड़ो, जो भी आप कार्बोकैटायन बनाओगे सेकेंडरी कार्बोकैटायन, वो कार्बोकैटायन कहाँ जा सकता है बेटा? रेजोनेंस में जा सकता है। और जो कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, तो उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारा क्या होगा? ज्यादा होगा। ये बात सबको समझ आई है? क्लियर है? चले आगे। शैल आई रिमूव दिस? हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आप लोगों ने ये देखा कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में आपको बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ सकते हैं, जैसे कि रेजोनेंस या प्लस एम इफेक्ट वाला कोई ग्रुप लगा हुआ है, या डिग्री ज्यादा है, या फिर कोई एरोमेटिक कार्बोकैटायन है, समथिंग लाइक दैट। अगर आप देख पाएंगे तो आप जज कर पाएंगे कि कहां पर रेट ऑफ एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन जो है ज्यादा है। ग्रेट। Now let's move on to the second set of questions, जो काफी देखने को मिलता है। एक और question हम लोग यहाँ discuss करें, बहुत ध्यान दीजिएगा, काफी important है। यहाँ पे हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक chiral center बना रखा है ये वाला, और ये double bond CH2 है यहाँ पे, और इस पे मैंने HCl का addition कराया है non polar medium में। Now मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि यहाँ जो दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं A प्लस B, दीज आर द टू प्रोडक्ट्स आई एम गेटिंग, आई वॉन्ट यू टू टेल मी कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में रिलेशनशिप क्या है। मतलब ये दोनों ही मेजर प्रोडक्ट्स हैं मेरे, बोथ ऑफ देम आर मेजर, दिस इज ऑल्सो मेजर, दिस इज ऑल्सो मेजर, कलेक्टिवली दोनों ही मेजर हैं। आई वॉन्ट टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन, स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में स्टीरियोकेमिकली क्या रिलेशनशिप है? लाइक दे आर इनांशियोमर्स, दे आर डाइस्टीरियोमर्स, और दे आर लाइक मीजो कंपाउंड और आइडेंटिकल, आई वुड से दे आर बोथ आर आइडेंटिकल, एंड दीज आई डोंट नो नन ऑफ दीज, राइट? ऐसे क्वेश्चंस को आपको कैसे डील करना है? डू यू रिमेम्बर द लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट दिस कार्बोकैटायन थिंग, कि कार्बोकैटायन प्लेनर होता है, तो अबव साइड अटैक और बिलो साइड अटैक दोनों इक्वली पॉसिबल है, है ना? हम लोग इसी के डिस्कशन कर रहे थे, जो अभी क्लास शुरू होने से पहले सृष्टि ने भी हमसे पूछा था, उसी को लेकर यहाँ चलते हैं। क्योंकि यहाँ देखो, ये तो आपको दिख रहा है कि एल्कीन है और HCl का एडिशन हो रहा है, HCl का एडिशन एल्कीन पे जो है कार्बोकैटायन मैकेनिज्म फॉलो करता है, ये हम लोगों को पता है ना? तो यहाँ पे जब ये रिएक्शन होगा तो देखिए क्या बनेगा, इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो अपना जैसा है वैसे ही रहेगा, रिएक्शन तो यहाँ होना है। तो अगर रिएक्शन यहाँ होना है तो यहाँ एक कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक, और यहाँ एक कार्बोकैटायन अगर बना तो एक CH3 मेरा ये जो ये वाला CH3 हुई है, क्योंकि यहाँ H लग जाएगा, यहाँ कार्बोकैटायन बन जाएगा, तो ये CH3 बन जाएगा, ये कार्बोकैटायन, ये ग्रुप ऐसा। नाउ कैन यू जस्ट सी दिस कार्बोकैटायन वुड बी प्लेनर, ये कार्बोकैटायन क्या होगा बेटा? प्लेनर।
अब इस पे जो सीएल माइनस का अटैक होगा इट कैन बी इधर अबव द प्लेन और इट कैन बी इधर बिलो द प्लेन. और ऊपर अटैक करने की प्रोबेबिलिटी और नीचे से अटैक करने की प्रोबेबिलिटी दोनों प्रोबेबिलिटी क्या है सेम है. इस वजह से मुझे दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं मेजर. आप समझ रहे हैं दो मेजर क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि अगर अबव से अटैक होगा और बिलो से अटैक होगा दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, मतलब दोनों ही मेजर होने चाहिए. तो अगर ये मेजर है दोनों ही तो इनके बीच का रिलेशनशिप मुझे चेक करना है. तो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट्स बना लेती हूँ. सोचो अब ये अबव से अटैक करा है सीएल, तो सीएल विल गो ऑन वेज एंड सी एच थ्री विल अल्टीमेटली विल कम ऑन डैश. और अगर सीएल ने बिलो से अटैक किया है तो क्या हो जाएगा, सीएल विल गो ऑन डैश एंड सी एच थ्री विल बी ऑन वेज, राइट. दीज आर द टू प्रोडक्ट्स विच आई कैन गेट ए एंड बी. नाउ द पॉइंट इज मुझे इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप चेक करना है. तो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है मुझे कोई बता सकता है? हाँ अश्मि बता सकती है या फिर सृष्टि या अक्षत. मतलब डायस्टियोमास है क्या है ये? नैनशुमस लग रहा है. श्योर अगर आप सिर्फ इस कायल सेंटर को देखोगे तो ये नैनशुमस लग रहे हैं. बट व्हाट अबाउट दिस, इसमें तो ये भी तो कायल सेंटर है. तो अब आप सोचो मेरी बात, आप आरएस करके देखो. मुझे नहीं पता ये वाला जो कायरल सेंटर जो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है ये आर कॉन्फ़िगरेशन का है या एस का है, दोनों में से किसी एक का होगा क्योंकि इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स्ड है अबव द प्लेन, है ना. मैंने अज्यूम कर लिया लेट्स से आर है. बट यहाँ पे जब बैक साइड और अबव साइड अटैक हो सकता है तो यहाँ तो दोनों ही बन सकते हैं, आर भी बन सकता है एस भी बन सकता है. बट यहाँ तो मैं नहीं छेड़ रही, ये तो आर ही रहेगा, तो ये तो दोनों जगह आर है. बट अब यहाँ पे ये हो सकता है आर हो सकता है यहाँ पे एस हो. तो आपके प्रोडक्ट्स क्या क्या है बेटा, आर आर और आर एस, और इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, डायस्टीरियोमर्स. आंसर इज डायस्टीरियोमर्स. आपने क्यों बोला इनांशुमर्स है, आपका आंसर बिल्कुल सही होता. ये इनांशुमर्स हो सकते थे हैड इट बीन अ लिटिल डिफरेंस. अगर सपोज ये इस तरीके से डिफरेंट तरीके से कुछ होता, सपोज ये या लेट्स से मैंने जो है ठीक है, और या मैंने कुछ एच की जगह या डी या कुछ ऐसा लगा दिया, तो लेट्स से यहाँ पे मैंने एच की जगह डी लगा दिया, ठीक है. बट यहाँ पे हालांकि ये कायरल सेंटर है नो डाउट, बट अभी मैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात नहीं कर रही. मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया नहीं होता कि ये क्या है. यहाँ पे अगर ये इसको कायरल ना बनाए उसका एक कुछ तरीका हम लोग यहाँ कर लेते हैं. लेट्स से मैं यहाँ पे एक कुछ बना देती हूँ, लेट्स से मैंने एक एल्कीन बना दिया, ठीक है. बट मैं रिएक्शन यही करा रही हूँ, लेट्स अज्यूम इट फॉर अ व्हाइल, ठीक है. एक मैं एग्जाम्पल देकर तुम्हें समझाना चाह रही हूँ. लेट्स से मैं यहीं पर करवा रही हूँ रिएक्शन, तो जब मैं इसके ऊपर रिएक्शन कराऊंगी तो देखिए क्या होगा. अब इसके अलावा तो और कोई कायरल सेंटर यहाँ होगा ही नहीं, क्योंकि जब यहाँ पे रिएक्शन होगी तो ये सी एच थ्री बन जाएगा, ये कार्बोकैटायन होगा जिसपे अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन अटैक हो सकता है. मतलब यहाँ पे इस तरीके से सीएल अबव द प्लेन लगा, सी एच थ्री बिलो द प्लेन चला गया, या फिर ऐसा हो गया कि ये बिलो द प्लेन है ये अबव द प्लेन. अब आप देखिए क्योंकि और कोई मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर नहीं है, सिर्फ यही दो कायरल सेंटर, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कंप्लीट इन्वर्जन हो रहा है. जब आप यहाँ देख रहे हैं दोनों में देख रहे हैं इवन एक्सचेंज ऑड एक्सचेंज हो रहे हैं, बस इन दोनों को एक्सचेंज किया, मतलब कंप्लीट रिवर्सल हो रहा है. तो अब ये दोनों मिक्सचर्स क्या होंगे एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के इनांशुमर्स होंगे क्योंकि यहाँ और कोई कायरल सेंटर नहीं. बट अगर मॉलिक्यूल के अंदर ऑलरेडी एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है और उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स्ड है, जैसे CH3 मैंने वेज पे डाला ये फिक्स्ड है, मैंने फिक्स कर रखी है स्टीरियोकेमिस्ट्री, और इस पे कोई रिएक्शन भी मैंने करा रही, मतलब इस वाले का तो
स्टीरियो केमिस्ट्री हमेशा आ रही रहनी है, चाहे तू उसका मिरर इमेज लो या ना लो, ये आ रही रहेगा। बट यहाँ पे तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है। तो जब आप इनैंशियमस बोलते हो तो आपको कंप्लीट इन्वर्जन चाहिए होता है, मतलब ये भी वेज से जब ये बने तो यहाँ डैश करो, वेज का वेज ना रहे, वेज का अगर डैश होता तो ये कंप्लीट इनैंशियमस बनते। बट यहाँ पे क्योंकि फिक्स है ये वेज का वेज पे ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर ये इनैंशियमस नाउ के क्या होंगे, डायस्टीरियोमस। तो ये छोटी छोटी सी बातें आप लोगों को काफी ध्यान रखनी पड़ती है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हुए। तो द रूल इज कि कार्बोकैटायन के ऊपर जब एक रिएक्शन हो रहा है तो प्लेनारिटी की वजह से अबव अटैक बिलो अटैक दोनों पॉसिबल है, दोनों यहाँ पे कंप्लीट इन्वर्जन पॉसिबल है। लेकिन ऑलरेडी अगर कोई मॉलिक्यूल के अंदर कायरल सेंटर एग्जिस्ट कर रहा है तो हमेशा जो मिक्सचर्स मिलेंगे वो डायस्टीरोमर्स ही मिलेंगे, नो मैटर कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ और बना ही नहीं सकते, डायस्टीरोमर्स ही मिलेंगे। क्योंकि जब एक कायरल सेंटर फिक्स है मतलब आपको इन्वर्जन होने नहीं है, तो हमेशा डायस्टीरोमर्स ही होंगे, उसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। यहाँ तक बात सबको समझ आई? तो इन सारी चीजों को ध्यान रखना है कि आपका इनैंशियोमर मिलेगा, डायस्टीरोमर मिलेगा, क्या मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे ही हम एक क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं जो कि एक डिफरेंट ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। ये बल्कि मेरे पास एल्कीन प्रेजेंट है बेटा, और इसपे मैंने H प्लस और मेथनॉल डाला। आई आस्क यू ड्रॉ ए एंड ए इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आप इस रिएक्शन में कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे सोचेंगे कि यहाँ पे क्या होगा? आप यहाँ देखिए सबसे पहले क्या होने वाला है। आपको ये तो पता है कि आपके पास ये जो एल्कीन है उस पे आपने सबसे पहले H प्लस का टैग होगा, है ना, H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल। बेटा यहाँ पे और एक नॉर्मल ये वाला केस लू अगर मैं, इन दोनों में अंतर कहाँ है? इन दोनों में अंतर है इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे। यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन है ना। तो अब आपको ये सोचना है कि H प्लस जाके किसको अटैक करेगा पहले, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स को या डबल बॉन्ड को? क्योंकि H प्लस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, उसे इलेक्ट्रॉन से मतलब है, इसे जो इलेक्ट्रॉन दे वो वहां जाएगा। जैसे अगर ये केस है इधर तो और कोई है ही नहीं, मतलब यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है कि पाई बॉन्ड जो है वही अटैक करेगा और कार्बोकैटायन बनेगा, क्योंकि और कोई इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप नहीं है यहाँ। बट इस केस में मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है, एक लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा पाई बॉन्ड। नाउ कॉम्पिटिशन अराइजेस कि ये पाई बॉन्ड जाके अटैक करेगा तो करेगा किस पे? ये अटैक करेगा ऑक्सीजन के लोन पेयर पे या डबल बॉन्ड पे? इन सारी चीजों को देखने के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस अगर हो रही है तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ पर है, किस डायरेक्शन में, किसकी तरफ है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो मैं कैसे बनाऊंगी? हमेशा रेजोनेंस हमने पहले ही डिसाइड किया था क्लास 11 में कि लोन पेयर के थ्रू होता है, तो लोन पेयर नीचे गिरेगा और ये पाई बॉन्ड इधर टूट के इधर नेगेटिव चार्ज देगा, है ना, यही रेजोनेंस होगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि क्या लोन पेयर ऑक्सीजन के जो है वो गिर रहे हैं और पाई बॉन्ड का जो बेसिकली एक तरीके से कहते हैं एल्कीन का जो पाई बॉन्ड है वो नेगेटिव चार्ज बना रहा है। तो कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किसकी तरफ है, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो है? क्या इसके इलेक्ट्रॉन इसी के पास है? नहीं, इसके इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में पाई बॉन्ड की तरफ जो है घूम रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो यही चीज आपको इस स्ट्रक्चर में एनालाइज करनी है कि यहाँ पे लोन पेयर जरूर है बट वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, वो एल्कीन की तरफ जा रहा है, मतलब ये H प्लस सबसे पहले किस पे अटैक करने वाला है, एल्कीन पे अटैक करने वाला है, राइट? तो यहाँ पे अगर एल्कीन पे H प्लस अटैक करेगा रादर देन O, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एल्कीन की तरफ ज्यादा है, तो आप देखिए ये अटैक किया तो आपको दिख रहा था ना इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है, है ना, क्यों नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है? अच्छा, आप एक चीज मुझे बता सकते हैं कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो है मेरे पास, ठीक है, हालांकि सबसे ज्यादा स्टेबल तो यही होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नो डाउट, क्योंकि इसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, बट ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कोई अनस्टेबल नहीं है। हालांकि इसमें ऑक्सीजन पे लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज है तो एक बार को मुझे लग सकता है कि ये बेकार है, बट ये अच्छा है क्योंकि यहाँ पे सबका ऑक्टेट कंप्लीट है,
ऑक्टेट हर एटम्स का कंप्लीट है, इसका मतलब ये भी एक स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो अगर ये स्टेबल है तो इसको अपना बेसिस मान के चलने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बेसिस पे आप देख ही पा रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा इस कार्बन पे है, तो जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो ऑब्वियसली एच लगेगा और एच यहाँ लगेगा, तो कार्बोकैटायन कहाँ बनाएगा, यहाँ पे। आप समझ पा रहे हैं यहाँ कार्बोकैटायन क्यों बना है? क्योंकि एक तो यही कारण है कि कार्बोकैटायन यहाँ स्टेबल है क्योंकि ओ के पास है और ओ का यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट होने वाला है, और दूसरी चीज ये है कि नेगेटिव चार्ज के क्योंकि रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा यहाँ पे था तो H प्लस जाके यही लगेगा और इन टर्न पॉजिटिव चार्ज जो है यहीं पे एस्टैब्लिश होगा, राइट? सो विल गेट दिस एज अ कार्बोकैटायन हियर। और उसके बाद वैसे तो जनरली हमेशा हम यहाँ पे एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन में वाटर यूज करते हैं, बट आप देखेंगे या मैंने वाटर इस्तेमाल नहीं किया है, या मैंने कौन इस्तेमाल किया है, एक एल्कोहल। मतलब मैं यहाँ एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ना करा के एसिड कैटलाइज एल्काइलेशन करा लूं, समवॉट लाइक दिस, क्योंकि मैं ओ आर वाला ग्रुप जो है उसे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। तो यहाँ सी एच थ्री ओ एच का जो ये ओ वाला पार्ट है ये एज अ न्यूक्लिफाइल काम करेगा, इस कार्बोकैटायन पे जो है अटैक करेगा, हेंस द प्रोडक्ट दैट यू गेट वुड बी ओ सी एच। दिस इज वॉट इज योर ए एंड दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। सबको समझ आया है यहाँ पे किस तरीके से हमने डिसाइड किया कि जो एच प्लस है वो कहाँ अटैक करेगा, ओ पे अटैक करेगा या डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, और जो न्यूक्लिफाइल है इस केस में वो वाटर ना होके क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। रिएक्शन एग्जैक्टली सेम तरीके से जा रहा है बट यहाँ हाइड्रेशन ना होके क्या हो रहा है, एक तरीके से अल्कोहलेशन। इज दैट क्लियर टिल नाउ? कोई डाउट? ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू अनदर टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोग जो है समझ पाएंगे कि किस किस डिफरेंट तरीके की चीजें जो है यहाँ पर हो सकती है। एक और क्वेश्चन हम लोग स्टडी करने वाले, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। लेट्स से मेरे पास इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर है, हमने डाला इसमें HBrCCl4। अगेन व्हाट आई वांट यू इज टू ड्रॉ ए एंड ए इज योर मेजर प्रोडक्ट। तो आपको देखना है अगेन आपका मेजर प्रोडक्ट जो है वो कैसे ड्रॉ। नो डाउट आपको दिख रहा है HX एडिशन हो रहा है एल्कीन पे, तो ये रिएक्शन एल्कीन पे ही ज्यादा स्टेबलाइज होती है, एल्कीन पर ये होती है और एल्कीन यहाँ प्रेजेंट भी है। बस आपको ये देखना है इस रिएक्शन में कि अगर ये एल्कीन पे अटैक हुआ तो कार्बोकैटायन कहाँ स्टेबल होगा, ये वाला कार्बोकैटायन स्टेबल होगा या फिर दूसरी जगह जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल। क्योंकि अगर आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पहचान लेंगे तो आप पहचान लेंगे कि आपका बीआर कम होगा। यही दो पॉसिबिलिटीज है बेटा मेरे पास कार्बोकैटायन की। अगर हम इस कार्बोकैटायन को देखेंगे तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है जिसमें सिर्फ 5 अल्फा हाइड्रोजन है और कुछ नहीं है। बट अगर मैं इस कार्बोकैटायन को देखूंगी तो आप देखेंगे ये कार्बोकैटायन क्या है, डबल बॉन्ड के साथ जो बेंजीन के डबल बॉन्ड से उसका रेजोनेंस में जा सकता है, मतलब दिस इज अ टाइप ऑफ अ समवॉट लाइक बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। And we know a benzylic carbocation is more stable than a secondary carbocation. तो ये वाला carbocation obviously ज़्यादा stable होना है। तो ये वाला आपका product नहीं होगा, आपको इससे proceed करना होगा। तो अब आपका Br- जो है यहाँ पे attack करेगा, hence the product that you get would be you understand the point? This was my major product B, A sorry. बस आप इसमें दो रूल्स हैं, एक तो आप ये याद रखिए कि बेंजीन पे रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि बेंजीन विल नॉट अंडरगो एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो एक डिफरेंट तरीके का रिएक्शन हमें देता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, राइट? तो बेंजीन पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन होगा तो सिर्फ और सिर्फ इस एल्कीन पर होगा, और इस एल्कीन पे अगर रिएक्शन होगा तो आपको बस नॉर्मल प्रोडक्ट बनाना है, बस कीपिंग इन माइंड कि आपको ये पता रहे कि आपका कार्बोकैटायन कौन सा स्टेबल है। इज दैट क्लियर टिल नाउ? एनी डाउट? कैन आई रिमूव दिस? मैम ये फर्स्ट वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल कैसे है? ये वाला? यस मैम। ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है बेटा, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और यहां बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे इस तरीके से, तो डबल सिंगल पॉजिटिव रेजोनेंस हो जाएगी बेंजीन के अंदर, तो ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन हो गया। यस मैम, है ना? इज दैट क्लियर? शैल आई रिमूव दिस? यस
Okay. Now, let's take another thing into consideration. आज हम एक और एडिशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं. जैसे आपने HBr का एडिशन कराया है इस नॉर्मल एल्कीन पे, तो आपको कभी कोई दिक्कत तो नहीं रही? ये तो बड़ा बेसिक सी चीज है कि Br जाके यहाँ लग जाएगा, मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा एंड दिस वुड बी योर मेजर प्रोडक्ट, राइट? ये हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ऐसा ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को किसी प्रकार का. लेकिन ऐसा देखा जाता है जब इस एल्कीन पे मैं HBr डालूं, बट परऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर मैं HBr डालूं, तो ये होता है कि मुझे ये इस तरीके का प्रोडक्ट जो है, जो पहले कभी माइनर होता, इस केस में ऐसा प्रोडक्ट माइनर होता, बट वो प्रोडक्ट इस केस में मुझे मेजर मिल रहा है. नाउ द पॉइंट इज कि अगर आप खाली HBr डाल रहे हो तो मार्कोनिकोव रूल फॉलो हो रहा है, बट जब आप HBr परऑक्साइड के साथ डाल रहे हो तो क्या फॉलो हो रहा है बेटा? एंटी मार्कोनिकोव रूल, है ना? उसका मतलब ये परऑक्साइड, देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, मतलब ये, और ये गड़बड़ कर किसके साथ रहा है? ये गड़बड़ कर रहा है मैकेनिज्म के साथ, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के साथ ये गड़बड़ कर रहा है. क्यों? क्योंकि अगर इस रिएक्शन का नॉर्मल मैकेनिज्म होता कार्बोकैटायन फॉर्मेशन वाला, तो कभी भी किसी भी तरीके से इस प्रोडक्ट का बनने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकैटायन तो बहुत ही अनस्टेबल होता है. और अगर ये प्रोडक्ट मिल रहा है एंटी मार्कोनिकोव वाला, इसका मतलब रिएक्शन कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के थ्रू नहीं जा रहा है, रिएक्शन का मैकेनिज्म चेंज हो गया. तो आज हम इसी रिएक्शन की बात करने वाले हैं जिसको हम लोग स्टडी करेंगे अंडर खराश इफेक्ट या फिर परऑक्साइड इफेक्ट. तो होता क्या है, जब आप किसी एल्कीन में HBr डालें इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, तो लीस्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है वो बनता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल. अब बस मुझे देखना है कि रिएक्शन का मैकेनिज्म में ऐसा क्या परऑक्साइड कर रहा है कि एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो हो रहा है. तो होता क्या है, परऑक्साइड, याद रखें हमेशा परऑक्साइड एंड लाइट HNO, ये दो ऐसी चीजें हैं जो एक तरीके से रेडिकल इनिशिएटर्स का काम करती है, जो रेडिकल्स को क्या करती है, इनिशिएट करती है. और रेडिकल्स इतने बेकार चीज होते हैं कि अगर ये इनिशिएट हो गए तो रिएक्शन में आगे 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 करके क्या करते रहते हैं, प्रोपोगेट करते रहते हैं. तो यहाँ पे मैकेनिज्म में ऐसा ही कुछ हो रहा है. स्टेप वन कि आप जो ये ले रहे हैं परऑक्साइड, ये अपने आप होमोलिटिक क्लीवेज में जाता है और दो RO रेडिकल जो है वो प्रोड्यूस करता है. अब ये RO रेडिकल जो है HBr के साथ रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज कराते हैं, ROH प्लस Br रेडिकल जनरेट करते हैं. ये दोनों ही स्टेप जो यहाँ पर हुए हैं, RO रेडिकल का बनना वहां से Br रेडिकल का बनना, इसे बोला जाता है रेडिकल का इनिशिएशन. रेडिकल इनिशिएट हो गया, बन गया, स्टार्ट हो गया बनना. और एक बार रेडिकल इनिशिएट हो गया तो रिएक्शन में क्या करता रहेगा, प्रोपोगेट करता रहेगा. तो स्टेप वन में रेडिकल इनिशिएट हो गया, जिसमें दो स्टेप हुए एक तरीके से. फिर एक बार रेडिकल इनिशिएट हो गया, अब वो एल्कीन में, जो आपने एल्कीन यहां इस्तेमाल करा है, इस एल्कीन में भी होमोलिटिक क्लीवेज कराएगा इस प्रकार. तो अब देखिए, जब होमोलिटिक क्लीवेज हुआ तो क्या हुआ, एक रेडिकल यहां बना, एक रेडिकल यहां बना और एक Br रेडिकल यहां. अब आप देखिए दो चीजें हो सकती हैं यहाँ पे, कि एक तो Br रेडिकल इस रेडिकल पे जाके लग जाए या फिर Br रेडिकल इस रेडिकल पे जाके लग जाए. अगर मेरा Br रेडिकल यहां पे जाके लग गया तो यहां Br लग गया और ये एज इट इज रेडिकल रह गया, और अगर Br इधर जाके चिपका तो ये वाला रेडिकल रह गया मेरा और यहां पे CH2Br हो गया. और हमें ये पता है कि रेडिकल की स्टेबिलिटी भी 3 डिग्री रेडिकल मोर स्टेबल देन 2 डिग्री विच इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, ऐसे ही फॉलो होती है. इसका मतलब इन दोनों रेडिकल्स वाले जो प्रोडक्ट्स आपको मिले हैं, दोनों रेडिकल वाले में से कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, ये वाला. इसका मतलब ये नहीं होगा
दैट मीन्स ये बी आर जो है इस सी एच टू के साथ कंबाइन करेगा ताकि एक सेकेंडरी रेडिकल जो है वो प्रोड्यूस करा सके. और ऐसा करने के बाद हमारा स्टेप थ्री पिक्चर में आएगा, जिस वे ये जो प्रोडक्ट हमारा बना है जिसके पास ऑलरेडी एक रेडिकल है ये सी एच टू बी आर हो गया, ये जो है अब फर्दर अभी मैं वापस से बताती हूँ, एक मिनट मैं सारा करवा लूँ फिर वापस से बताती हूँ. इसके बाद ये वापस से जो है हमारा अटैक करेगा एच बी आर के साथ, एच रेडिकल और बी आर रेडिकल बनेगा और एच रेडिकल जाके इस वाले रेडिकल से कंबाइन कर जाएगा और आपको मिल जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू बी आर प्लस बी आर रेडिकल. और ये रिएक्शन आगे 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 क्या करती जाएगी, प्रोपोगेट करती जाएगी और इन दोनों स्टेप को मिला के बोला जाता है प्रोपोगेशन स्टेप. और जब एक बार ऐसा हो गया प्रोपोगेशन हो गया तो ये चलता रहेगा जब तक सारा रिएक्शन ना खत्म हो जाए. और लास्ट में जाके स्टेप फोर में जाके जब तक ये बी आर रेडिकल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के फर्दर कोई रेडिकल ना प्रोड्यूस करे तब तक रिएक्शन टर्मिनेट नहीं होगा. और ये वाला हो गया मेरा रिएक्शन का टर्मिनेशन. मैं एक बार दोबारा समझा देती हूँ अगर आप लोगों को नहीं समझ आया तो. सबसे पहले याद रखिए किसी भी रिएक्शन में अगर आपको परऑक्साइड या लाइट दिख रहा है मतलब ये रिएक्शन का मैकेनिज्म रेडिकल के थ्रू चलेगा. क्यों? क्योंकि ये रेडिकल जो परऑक्साइड और एच नहीं होता है ये रेडिकल इनिशिएटर्स का काम करते हैं, ये रेडिकल्स को जनरेट करते हैं. तो इस केस में जैसे आप परऑक्साइड ले रहे हैं तो परऑक्साइड रेडिकल को जनरेट करेगा, ये जो ओ बॉन्ड है इसमें होमोलिटिक क्लीवेज कराएगा तो दो और आर ओ रेडिकल प्रोड्यूस हो जाएंगे. ये आर ओ रेडिकल, देखो एक चीज याद रखना, एक बार अगर रेडिकल प्रोड्यूस हो गया होमोलिटिक क्लीवेज से तो वो बाकी सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर बस होमोलिटिक क्लीवेज ही कराता चलेगा और रेडिकल से रेडिकल बनते रहेंगे. तो जैसे आर ओ रेडिकल जनरेट हो गया तो उसने एच बी आर के अंदर जो है होमोलिटिक क्लीवेज कराया, जैसे ही होमोलिटिक क्लीवेज कराया तो आर ओ एच ये एच रेडिकल आर ओ रेडिकल के साथ जुड़ के आर ओ एच दे दिया और ये बी आर रेडिकल मुझे यहाँ मिल गया. अब ये बी आर रेडिकल एल्कीन के अंदर होमोलिटिक क्लीवेज कराएगा और जब होमोलिटिक क्लीवेज होगी तो इन दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. अब बी आर के पास चॉइस है कि या इस वाले इलेक्ट्रॉन इस वाले रेडिकल के साथ जाके चिपके या इस वाले रेडिकल के साथ जाके चिपके. अगर वो इस रेडिकल पे जाके बॉन्ड बनाएगा तो ये रेडिकल एज इट इज रह जाएगा विच इज अ 1 डिग्री रेडिकल. और अगर वो यहाँ जाके लगेगा यहाँ पे जाके लगेगा तो एक ये रेडिकल रह जाएगा विच इज अ 2 डिग्री रेडिकल. हमारे पास 1 डिग्री रेडिकल और 2 डिग्री रेडिकल दोनों बन सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि 2 डिग्री रेडिकल स्टेबल होता है 1 डिग्री से तो ये रेडिकल नहीं होगा, 2 डिग्री बनेगा. इसका मतलब बी आर पहले ही जाके इस सी एच टू के साथ क्या कर चुका होगा, बॉन्ड बना चुका होगा. तो अब ये रेडिकल जो बना है ये एच बी आर के अंदर फिर से होमोलिटिक क्लीवेज कराएगा, एच रेडिकल को अपने पास खींच लेगा और बी आर रेडिकल आगे बढ़ जाएगा. अब ये बी आर रेडिकल जो आगे बना है ये क्या करेगा, ये अनदर मॉलिक्यूल बाकी जितने मॉलिक्यूल्स और प्रेजेंट होंगे एल्कीन के साथ सबके साथ जो है यही काम करेगा. मतलब बार बार बी आर रेडिकल यही यहाँ से ये वाले प्रोसेस दोनों स्टेप्स जो है बार बार रिपीट होते रहेंगे. इसको बोला जाता है प्रोपोगेशन. जब तक ये बी आर रेडिकल को मैं खत्म ना कर दूं मतलब जब तक ये आगे फर्दर को रेडिकल प्रोड्यूस ना हो तब तक मेरा रिएक्शन खत्म नहीं होगा. इसलिए अगर ये बी आर रेडिकल अपने आप से बन के बी आर टू बना देगा तो रिएक्शन फर्दर खत्म हो जाएगा और टर्मिनेशन हो जाएगा. तो जो भी रेडिकल के प्रोसेसेस होते हैं वो इनिशिएशन प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन इन तीन प्रोसेसेस से होके गुजरते हैं. ठीक है, और यहाँ पे ये तीन प्रोसेसेस ऐसे हो गए. बात समझ आई अक्षत? मैम ये 1 डिग्री और 2 डिग्री वाला नहीं, 1 डिग्री और 2 डिग्री में क्या नहीं समझ आया तुझे? ये 1 डिग्री कौन सा है इसमें 2 डिग्री कौन सा है? ये रहा ना, ये देख ये रेडिकल जो मैंने यहाँ लिखा है CH3CHBr CH2 रेडिकल ये वाला, तो ये रेडिकल 1 डिग्री है ना क्योंकि ये कार्बन 1 डिग्री है. हाँ है ना, तो ये प्राइमरी रेडिकल हो गया. और अगर ये इस तरीके से होता तो ये रेडिकल क्या हो जाता, 2 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन 2 डिग्री है. और कार्बन अगर 2 डिग्री स्टेबल होता है तो वैसे हिसाब से रेडिकल भी जो 2 डिग्री होता है वो स्टेबल होता है. तो 2 डिग्री रेडिकल बेटर है 1 डिग्री से, इसलिए ये वाला रेडिकल बनेगा, ये वाला रेडिकल नहीं बनेगा. आई बस समझ? ठीक है, चलो. किसी को कोई डाउट इस केस में? समझ आ गया सबको? शैल आई रिमूव दिस? नाउ अब खास बात ये देखने को मिली बेटा
कि ये रिएक्शन परऑक्साइड के साथ सिर्फ तभी हुआ ये जब मैंने HBr यूज किया, मतलब ये HBr परऑक्साइड के साथ ऐसा हो रहा है, जबकि अगर मैं बाय चांस इसमें HCl और परऑक्साइड यूज कर लूँ ना तो वही प्रोडक्ट मिलता है मुझे जो परऑक्साइड यूज करूँ या ना करूँ, खाली HCl डालूँ तो भी तो यही प्रोडक्ट मिलेगा ना बेटा। मतलब HCl अगर मैं यूज करती हूँ तो परऑक्साइड का एज सच कोई रोल मुझे समझ नहीं आता, परऑक्साइड डालो या ना डालो प्रोडक्ट एक ही है। बट अगर आप इसमें HBr डालोगे तो मार्कोनिकोव के हिसाब से ये प्रोडक्ट मिलेगा, बट HBr परऑक्साइड डालोगे तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब ये जो आपने मैकेनिज्म पढ़ा ये सिर्फ और सिर्फ कब किसके साथ दिख रहा है, जब आप एल्कीन में HBr के साथ परऑक्साइड डालो सिर्फ तभी दिख रहा है। HCl के साथ परऑक्साइड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, HI के साथ परऑक्साइड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो अब यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि ऐसा ही क्यों है, वाई ओनली HBr परऑक्साइड के साथ ही ये रिएक्शन हो रहा है और बाकियों के साथ क्यों नहीं हो रहा। और ये वाला दो चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि HCl पे परऑक्साइड का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो अब ऐसे समझिए, आपने जो पिछला मैकेनिज्म करा है, मैकेनिज्म के दो स्टेप है, एक स्टेप है जिसमें जो भी आपका बी आर रेडिकल या एक्स रेडिकल बना है वो इस पाई बॉन्ड के अंदर होमोलिटिक क्लीवेज कराता है और फिर इस तरीके से जाके ये बना देता है। ऐसा एक स्टेप देखा था आपने, एक स्टेप ये था और एक स्टेप ये वाला था जब आपने ये देखा था जो लास्ट में, कि ये रेडिकल जो है फर्दर HBr या HX के साथ रिएक्ट करता है, इसमें होमोलिटिक क्लीवेज कराता है और ये यहां से H रेडिकल ले लेता है और आपको ये मिल जाता है। ये जो रिएक्शन के दो स्टेप है, इन दो स्टेप के थ्रू, इन दो स्टेप के एनालिसिस करने के थ्रू ही मैं बता पाती हूँ कि HCl में परऑक्साइड का इफेक्ट या HI में परऑक्साइड का इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा। मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ why HCl and HI do not show परऑक्साइड इफेक्ट। तो ऐसा देखा जाता है बेटा कि मैं सारे केसेस आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि अगर मैं HCl ले रही हूँ, HBr ले रही हूँ और HI ले रही हूँ तो उस केस में क्या होता है। लेट्स से मैं इसको स्टेप वन बोल देती हूँ एक तरीके से, स्टेप ए बोल दीजिए इस वाले स्टेप को और इस वाले स्टेप को आप स्टेप बी बोल दीजिए, स्टेप ए और स्टेप बी। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, HCl के केस में स्टेप ए जो होता है मेरा वो तो एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है, नेगेटिव होता है उसका डेल्टा H। लेकिन जो स्टेप बी होता है वो वाला जो स्टेप बी है वो मेरा एंडोथर्मिक इन नेचर हो जाता है, जबकि HBr के केस में दोनों ही स्टेप एक्सोथर्मिक इन नेचर ही देखे जाते हैं। और जब HI का केस होता है तो पहला वाला स्टेप एंडो बन जाता है और दूसरा वाला स्टेप एक्सो बन जाता है। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से एकदम ध्यान से सुनना बेटा। इस स्टेप में आप ये बताओ कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एक्चुअली एक्स रेडिकल का अटैक हो रहा है ना, और स्टेप बी में क्या हो रहा है, एच एक्स बॉन्ड टूट रहा है। और आपको ये पता है कि एच सी एल बॉन्ड को तोड़ना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है देन एच बी आर को तोड़ना और देन एच आई को तोड़ना। क्यों? क्योंकि एच सी एल में सी एल का साइज छोटा है कंपेयर टू बी आर एंड आई, ये तो सब समझ रहे हैं। तो एच सी एल बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट है, तो इस वजह से HCl के केस में जो बी स्टेप है वो एंडोथर्मिक इन नेचर है, बिकॉज HCl का बॉन्ड टूटना डिफिकल्ट है। बट एक बार अगर Cl रेडिकल बन गया तो वो अटैक तो कर ही सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब फर्दर बात आनी है H के लगने की, जब HCl बॉन्ड को टूटना है इस रेडिकल के प्रेजेंस में, तो HCl बॉन्ड नहीं टूट पाता, एंडोथर्मिक इन नेचर रिएक्शन दिखता है। HBr में ऐसा देखा जाता है कि ये बॉन्ड भी आराम से टूटता है या रेडिकल का रिएक्शन भी आराम से होता है, तो इसलिए दोनों एक्सो है। और HI में क्या है, बॉन्ड तो आराम से टूट ही जाएगा क्योंकि HI का साइज बड़ा है, लेकिन I रेडिकल का अटैक नहीं हो पाता। एक्चुअली क्या होता है, I रेडिकल काफी अनस्टेबल होता है, वो अपने साथ ही रिएक्ट करके I2 बनाने की प्रेफरेंस करता है। तो अगर मैं HI यूज करूंगी इंस्टेड ऑफ HBr और HCl,
तो यहाँ जो भी आई रेडिकल लगेगा वो इसमें होमोलेटिक क्लीवेज ना करा के आई रेडिकल अपने साथ ही रिएक्ट करके आयोडीन बना के क्या कर देगा, उड़ जाएगा। इस वजह से इसके लिए फर्स्ट स्टेप डिफिकल्ट है, सेकेंड आसान है। बी आर के लिए दोनों ही स्टेप आसान है, और सी एल के लिए दोनों ही सेकेंड वाला स्टेप क्या है, डिफिकल्ट है, और पहला वाला आसान है। और इनकेस आपने भगवान ना कर एच एफ ले लिया तो आप भूल जाओ, ना स्टेप ए हो सकता है ना स्टेप बी हो सकता है, क्योंकि एफ रेडिकल अपने आप में ही बहुत एक्सप्लोसिव होता है, तो स्टेप ए नहीं होगा, और स्टेप बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि एच एफ का बॉन्ड टूट नहीं सकता। तो एच एफ अगर आप यूज कर लेते हो वो तो रिएक्शन देता ही नहीं है किसी, वो कभी भी रिएक्ट नहीं देता, इट्स नॉट कि परऑक्साइड के साथ वो एच एफ का एडिशन आप कब भी नहीं करा, इसको तो भूल ही जाओ। बट ये रिएक्शन आपको इस यहाँ से समझ आ रहा है कि सिर्फ एच बी आर के साथ ही क्यों हो रहा है, क्योंकि एच बी आर में ही दोनों स्टेप नेगेटिव आते हैं। और क्या कुछ कह रहे अक्षत मैम, ये वाला दोबारा से बता दीजिए, दूसरे स्टेप में जब रेडिकल का अटैक तो हो चुका है बट अब एच एक्स बॉन्ड टूट रहा है, तो ऐसा देखा जाता है कि एच बी आर के केस में ये दोनों स्टेप आसानी से हो जाते हैं, दोनों ही स्टेप एक्सोथर्मिक इन नेचर है। क्यों? क्योंकि एच बी आर का बॉन्ड तोड़ना बहुत आसान है क्योंकि बी आर का साइज बड़ा है, तो ये स्टेप हो जाएगा, और बी आर रेडिकल स्टेबल भी होता है इसलिए ये वाला स्टेप भी हो जाएगा। तो एच बी आर में दोनों स्टेप आराम से हो जाते हैं, लेकिन एच सी एल में ये वाला स्टेप आसानी से नहीं हो पाता क्योंकि सी एल का साइज जो है छोटा है, तो एच सी एल का जो बॉन्ड लेंथ है एक तरीके से आप कह लो छोटी है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो डिफिकल्ट होगा तोड़ना। तो इसलिए एच सी एल के केस में स्टेप बी डिफिकल्ट है, इसलिए एंडो है, जबकि स्टेप ए हो सकता है बिकॉज सी एल रेडिकल स्टेबल होता है। बट एच आई में उल्टा हो जाएगा, आई रेडिकल स्टेबल नहीं होता क्योंकि आई रेडिकल के साथ रिएक्ट करके आयोडीन बन के निकलने की कोशिश करता है, बट बॉन्ड आराम से टूट जाएगा उसका। तो आप देख रहे हैं HCl और HI में परोक्साइड का इसलिए इफेक्ट नहीं पड़ रहा क्योंकि जो दो स्टेप है उनमें से सिर्फ एक ही स्टेप फीजिबल है, दूसरा स्टेप दोनों में अनफीजिबल है, नॉट फीजिबल है, ना HCl में फीजिबल है ना HI में फीजिबल है, इसलिए HCl और HI के साथ परोक्साइड का कोई इफेक्ट नहीं होता, और सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट पड़ता है HBr के साथ क्योंकि उसके लिए दोनों ही स्टेप्स क्या है, फीजिबल है। बात समझ आ गई? हाँ यस मैम। ओके, शैल आई रिमूव दिस? यस मैम। राइट, तो इस केस का कंक्लूजन ये निकल के आया कि अगर सपोज मैंने आपको इस तरीके से एक एल्कीन दिया, उस एल्कीन में HBr परोक्साइड डलवाया, ए प्रोडक्ट मिला, इस एल्कीन में HBr डलवाया, बी प्रोडक्ट मिला, HCl परोक्साइड डलवाया, सी मिला, DCl परोक्साइड डलवाया, डी मिला, तो क्या व्हाट आर दीज प्रोडक्ट्स? सबसे पहली चीज आप ये देखिए रिएक्टेंट क्या है आपके पास, द रिएक्टेंट दैट यू हैव हियर इज दिस वन। इसमें जो भी रिएक्शन होगा वो अगर परोक्साइड और HBr डाल रहे हो तो आपको सोचना ही नहीं है क्योंकि कार्बोकोटाइन रीअरेंजमेंट का तो मतलब नहीं है, तो रेडिकल रिएक्शन है और एंटी मार्कोनिक का रूल फॉलो होना है। तो यहाँ तो ये प्रोडक्ट सीधा सीधा सा बन गया, देखिए कैसे इस वाले कार्बन पे Br, ठीक है, लेकिन जब आप खाली HBr डाल रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि HBr खाली में डाल रही हूँ मतलब मार्कोनिक का रूल होना है और कार्बोकोटाइन एज एन इंटरमीडिएट बनना है। तो अगर मैं इस केस में एक H+ और Br का अटैक कराऊं, देखिए कार्बोकोटाइन कैसे बनेगा, यहां कार्बोकोटाइन बने। अब आप मुझे बताइए कि ये जो कार्बोकोटाइन बना है क्या ये किसी तरीके के रीअरेंजमेंट में जा सकता है, इसको जाना चाहिए किसी रीअरेंजमेंट में या फिर नहीं जाना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? बताओ भैया, कोई तो बताओ। हम जा सकता है? जा सकता है? नहीं नहीं जा सकता। पहले सोचो ये कि यहाँ पे अगर ये है तो ये सेकेंडरी कार्बोकोटाइन है और इसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तीन यहाँ दो यहाँ, पांच अल्फा हाइड्रोजन है। लेट्स अज्यूम मैंने इसका वो कराया, अब रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा डायरेक्टली, मैं बता चुकी हूँ क्यों, क्योंकि रिंग एक्सपेंशन हमेशा चार मेंबर से पांच पे होता है, पांच से छह पे होता है, मतलब एक एक कार्बन बढ़ाते हो,
अगर आप यहाँ रिंग एक्सपेंशन करोगे तो पहली बात ये पांच सीधा सात में जाएगी, पांच सात में नहीं जा सकती, पांच हमेशा छह में ही जाना चाहिए। और अगर ये फोर मेंबर्ड होता तो फोर भी डायरेक्ट सिक्स में नहीं जाता, फोर पहले फाइव में जाता। मतलब रिंग एक्सपेंशन सिर्फ तभी हो सकता है जब ये कार्बोकोटाइन यहाँ ना हो के यहाँ हो, मतलब एक कार्बन से हमेशा रिंग बढ़ती है, दो कार्बन से डायरेक्ट रिंग नहीं बढ़ाते। तो बस मुझे सबसे पहले इसको यहाँ से उठा के यहाँ लाना है और सोचना है कि यहाँ आएगा या नहीं आएगा। ये कार्बोकोटाइन यहाँ सिर्फ तभी आएगा जब ये यहाँ ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में। तो मानो कि मैंने यहाँ पे 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट कराया, ऐसे मानो, अगर कराया तो क्या होगा, अगर कराया तो ये बनेगा, ये ज्यादा स्टेबल है, ये है भी अभी भी 2 डिग्री है, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखो दो और एक सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, कौन ज्यादा स्टेबल था, ये पहले ज्यादा स्टेबल था ना। तो जब पहले ज्यादा स्टेबल है और शिफ्ट करने के बाद स्टेबल नहीं बन रहा तो शिफ्ट कभी भी नहीं होगा। शिफ्ट हमेशा सिर्फ तब होता है जब सेकेंड केस में शिफ्ट करने के बाद जो है वो ज्यादा स्टेबल बने। तो इस पर्टिकुलर केस में किसी तरीके का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा बच्चे, क्योंकि कार्बोकोटाइन स्टेबल नहीं हो पा रहा, तो मतलब सिर्फ बीआर यहाँ लग जाएगा। और इस केस में परऑक्साइड का कोई रूल नहीं होगा, सिंपल यहाँ सीएल लग जाएगा, और इस केस में भी सिंपल यहाँ सीएल लग जाएगा, बट यहाँ डी आप यूज कर रहे हैं तो डी आपका यहाँ CH2D। बोलिए बात सबको समझ आई है नहीं आई? मैम वो सेकंड वाले में वो समझ नहीं आया स्टेबिलिटी का कि फर्स्ट में नहीं होगा। और देखो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। यस मैम। पूछ रही हो रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हो रहा, ये पूछ रही हो? यस मैम। हाँ तो ये जो कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, दो यहाँ पे होंगे बेटा, तीन यहाँ होंगे, पांच अल्फा हाइड्रोजन है, और ये कार्बोकैटायन ऑलरेडी सेकेंडरी है ना। अगर मैंने इसे शिफ्ट करा दिया 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ करा दिया लेट्स से, तो ये जो कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा उसमें इनफैक्ट स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वो 2 डिग्री का 2 डिग्री ही रहा पहली बात तो। और अल्फा हाइड्रोजन देखो एक एच यहाँ होंगे, दो एच यहाँ होंगे, सिर्फ तीन ही का अल्फा हाइड्रोजन हुए। रीअरेंजमेंट इसलिए थोड़ी होता है कि कार्बोकैटायन अनस्टेबल हो जाए, रीअरेंजमेंट तो इसलिए होता ताकि मेरा कार्बोकैटायन क्या हो सके और ज्यादा स्टेबल हो सके। तो अगर मेरा कार्बोकैटायन और स्टेबल नहीं हो सकता तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। आई बस बात समझ आई सबको? तो इस तरीके से जो है आप लोगों को चीजें देखनी है, राइट? चले आगे। आगे चलते हैं, एक और तरीके का एडिशन रिएक्शन आज हम लोग जो है स्टडी करने वाले हैं, और वो एडिशन रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइलेशन। हाइड्रोक्साइलेशन कैसा रिएक्शन होता है बेटा? हाइड्रोक्साइलेशन में अगर आप एक एल्कीन ले रहे हैं, उसको अगर आप 1-2 बगल बगल में OH-OH लगा दें, मतलब HOH नहीं ऐड करें, क्योंकि अगर HOH ऐड करते हैं मतलब वो एडिशन ऑफ वाटर होता है, एडिशन वाटर को बोला जाता है हाइड्रेशन। बट जब दोनों जगह OH-OH ऐड होता है तो उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्साइलेशन। तो आपने हाइड्रेशन पढ़ लिया, आपने हैलोजिनेशन पढ़ लिया X लगाने वाला, अब आप पढ़ रहे हैं हाइड्रोक्साइलेशन जब दोनों जगह OH लगते हैं। हाइड्रोक्साइलेशन मेरे पास दो तरीके के हो सकते हैं, सिस हाइड्रोक्साइलेशन जिसमें आप देखेंगे कि दोनों एच सेम साइड लगे हैं, और एक हो सकता है मेरे पास ट्रांस हाइड्रोक्साइलेशन जिसमें आप ये नोटिस करेंगे कि दोनों एच कैसे लगे हैं, एंटी लगे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सिस हाइड्रोक्साइलेशन की बात करते हैं। सिस हाइड्रोक्साइलेशन में क्या होगा, ये मेरे पास एल्कीन है, इस एल्कीन में अगर मैं कोल्ड डाइल्यूटेड KNO4 डालूं, और ये ध्यान रखेंगे कि कोल्ड डाइल्यूटेड KNO4 को बेटा बोला जाता है बेयर्स रिएजेंट। क्या बोला जाता है? बेयर्स रिएजेंट, राइट? और ये जो बेयर्स रिएजेंट है, ये जो है कोल्ड डाइल्यूटेड KNO4, ये पर्पल कलर का रीअरेंजमेंट रिएजेंट होगा। क्यों? क्योंकि KNO4 का कलर आपको पता है डीप पर्पल कलर होता है ना, तो ये बेयर्स रिएजेंट होता है। तो जब मैं इसमें बेयर्स रिएजेंट डालती हूँ तो ऐसा होता है कि पाई बॉन्ड टूटता है और दोनों OH जो है सेम डायरेक्शन से मेरे पास एड हो जाते हैं,
और एक तरीके से आप ये ध्यान दीजिए कि ये जो प्रोसेस है ना, इसमें एडिशन तो हुआ ही है, हाइड्रोक्साइलेशन इज एडिशन रिएक्शन, एडिशन तो हुआ ही है, बट साथ साथ आप क्या ये नोटिस कर पा रहे हैं कि एल्कीन का ऑक्सीडेशन हुआ है? क्यों? क्योंकि आपने ऑक्सीजन को ऐड किया है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एल्कीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो अगर एल्कीन ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब कोई ना कोई रिड्यूस भी हो रहा हो, और यहाँ कौन रिड्यूस होता है बेटा? KMnO4, KMnO4 जो है Mn plus 2 में रिड्यूस हो जाता है, मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास यहाँ कोल डाइल्यूटेड KMnO4 है जो कि बेयर्स रिएजेंट है, तो मेरा सोल्यूशन पर्पल कलर का होगा, और अगर इस सोल्यूशन के अंदर मैंने एक एल्कीन डाल दिया तो एल्कीन हाइड्रोक्साइलेट हो जाएगा, और साथ साथ सोल्यूशन के अंदर एक एल्कीन प्रेजेंट होगा प्लस Mn plus 2 प्रेजेंट होगा, और Mn plus 2 जो होता है वो कलरलेस होता है, ये याद रखें, Mn plus 2 क्या होता है? कलरलेस। तो पर्पल कलर से आप कहां पहुंच जाएंगे? एकदम कलरलेस पे। तो मैं बोल सकती हूं कि एल्कीन जो है इट डीकलराइजेस ब्रोमी, डीकलराइजेस बेयर्स रिएजेंट। बोले हाँ या ना, समझ आई बात? वो बेयर्स रिएजेंट को डीकलराइज कर देता है, मतलब वो बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है? हाइड्रोक्साइलेशन, और ये हाइड्रोक्साइलेशन सिन होता है, मतलब बोथ द OH आर एडेड फ्रॉम द सेम साइड, दिस इज सिन एडिशन या फिर सिस हाइड्रोक्साइलेशन। अब सिस क्यों होता है ये मैं अभी डिस्कस करती हूँ, बट क्या आप लोगों को समझ आ गया जो मैंने यहाँ बताया? इसको हटा दे। एक्चुअली इस रिएक्शन का मैकेनिज्म तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इस मैकेनिज्म को समझना चाहते हैं तो आप बस इतना देखिए कि आप जो KMnO4 लेते हैं, इट्स लाइक K प्लस MnO4 माइनस, राइट? MnO4 इस प्रकार होता है, MnO4 माइनस इज लाइक दिस, इसका स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूँ, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये MnO4 माइनस जो है इस डायरेक्शन में इस तरीके से जो है यहाँ पे अटैक करता है, और एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट टाइप कुछ बना देता है यहाँ पे इस प्रकार। एक ट्रांजिशन स्टेट जो है मेरी बन जाती है, और आप देख रहे हैं क्योंकि ये जब लगा है एल्कीन पे, एल्कीन तो प्लेनर था, तो अब ये दोनों ऑक्सीजन ने इसने एक तरीके से अपने आप सोचो दोनों ऑक्सीजन अपने यहां घुसाए हैं, तो जब दोनों ऑक्सीजन एक साइड से ही एंटर करेंगे ना इसके, तो इस वजह से जब ये आगे फर्दर क्लीव करता है तो जो दोनों OH जो होता है वो इन्हीं बॉन्ड को तोड़ के निकलता है, यही वाले बॉन्ड टूटते और HH यहां लगता है एक तरीके से। मैं आपको रफ वो बता रही हूं इसका मैकेनिज्म, बिकॉज़ द मैकेनिज्म इज नॉट इन योर सिलेबस, तो रफ मैकेनिज्म आप देख पा रहे हैं कि अगर टूटेगा तो यही से टूटेगा, और जब यहां से टूटेगा तो इसका मतलब ये दोनों OH कहां से लगेंगे बेटा? सेम साइड से लगेंगे, जिस साइड से MnO4 माइनस अटैक किया हो, तो अगर MnO4 माइनस अबव द एल्कीन अटैक करेगा तो दोनों OH अबव द एल्कीन लगेंगे, और अगर ये बिलो द एल्कीन अटैक करेगा तो दोनों OH कहां लगेंगे? बिलो द एल्कीन, बट दोनों OH आपस में क्या है? सेम डायरेक्शन से लगेंगे, इसी को बोला जाता है सिन एडिशन। सिन एडिशन कराने के लिए आप दो रिएजेंट्स यूज कर सकते हो, एक तो मैंने आपको बता ही दिया बेयर्स रिएजेंट, और दूसरा रिएजेंट जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है ऑस्मियम टेट्रोक्साइड OSO4, क्योंकि OSO4 भी इसी तरीके से होता है, सेम तरीके का ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, बस आप मैंगनीज की जगह OS लगा दीजिए तो एग्जैक्टली सेम काम करता है, तो या तो आप ऑस्मियम टेट्रोक्साइड यूज कर लीजिए या बेयर्स रिएजेंट यूज कर लीजिए, वो दोनों ही क्या कराते हैं? सिन हाइड्रोक्साइलेशन। यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई? कोई डाउट? क्या ऑस्मियम है? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ये बिल्कुल वो MnO4 जैसा लगता है। हाँ ये एग्जैक्टली ऐसे ही तो होता है, OSO4 ये होता है OSO4। समवेयर लाइक दिस सेम साइड से ही अटैक करता है। अच्छा ओके। मैम हाँ जी मैम, अगर OSO4 में ऐड करेंगे तो भी वो कलरलेस हो जाएगा? नहीं, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड पहले ही कलरलेस होता है।
बेयर्स रिएजेंट ही सिर्फ करा तो इसमें कलर चेंज नजर आता है क्योंकि केमनोफोर का अलग कलर होता है और एमएन प्लस टू का अलग होता है। ऑस्मियम टेट्रोक्साइड पहले ही कलर लेस है और बाद में भी कलर लेस ही रहता है, तो यहाँ पे एसच रिएक्शन तो हो जाती है बट देख कर पता नहीं चलता कि रिएक्शन हुई है। और केमनोफोर के साथ क्या होता है, देखकर पता चल जाता है रिएक्शन हुई। तो केमनोफोर वाला जो है एक एज अ टेस्ट आप यूज कर सकते हो बट रिएक्शन दोनों के साथ, ये क्लियर है? Yes, ma'am. बेटा हमने कल की क्लास में एक वो किया था टैम और कार वाली चीज है ना, इससे सैल्कीन पे एंटी एडिशन रिस्मिक कराता है, टैम पे एंटी एडिशन क्या बनाता है, मीजो बनाता है, कार एंड टैम हम लोगों ने कराता है ना। अब आप देखिए यही चीज मैं यहाँ लेकर आऊंगी कि सपोज अगर आपके पास सिस एल्कीन है बट आप एंटी एडिशन नहीं करा रहे, आप सिन एडिशन करा रहे, तो क्या होगा, तो सिस एल्कीन बना देते हैं। एक सिस एल्कीन मैंने बनाया, मैंने लेट्स से इसमें ऑस्मियम टेट्रोक्साइड डाला तो सिन एडिशन होगा, मतलब दोनों ही OH कहां से लगेंगे बेटा, सेम साइड से। तो मान लिए मैंने दोनों ही OH कहां से लग रहे हैं, अबव द प्लेन, और ये सिस है मतलब CH3 के पीछे CH3 और H के पीछे H, ये सबको क्लियर है। इसको अगर मैं एग्जैक्टली उल्टा देखूं तो ये ऐसा हो जाएगा, दोनों एच नीचे नीचे आ जाएंगे, अब देखेंगे सी एच थ्री के पीछे सी एच थ्री आएगा और एच के पीछे एच ही आएगा। और अगर मैंने इसका फिशर ड्रॉ किया तो देखो क्या दिखेगा, ओ एच ओ एच ऊपर नीचे, सी एच थ्री के पैरलर सी एच थ्री, एच के पैरलर एच। नाउ कैन यू सी दिस इज अ मीजो कंपाउंड, इसका मतलब यहां उल्टा हो रहा है। क्या उल्टा हो रहा है, जहां पे ध्यान रखिए एंटी एडिशन जब कराते थे सिस एल्कीन पे तो क्या बनता था, रिस्मिक, जबकि सिस एल्कीन पे अगर आप सिन एडिशन करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, मीजो। तो यहाँ पे कार और टैम का उल्टा करो, तो जब कार था मतलब सिस एल्कीन एंटी एडिशन गिव रिस्मिक, या क्या हो जाएगा, सिस एल्कीन विद सिन एडिशन विल गिव मीजो, जस्ट इसका ऑपोजिट, टोटली ऑपोजिट है ना, बात क्लियर है? अब सपोज ट्रांस एल्कीन लेते तो क्या होता, रिस्मिक। चल बना के देख लेते हैं, नहीं मेजो कंपाउंड में तो रिस्मिक ही बनाएंगे। रिस्मिक में कैसे होता बेटा, रिस्मिक जो होते हैं इनएक्टिव होता बट रिजॉल्वेबल होते हैं, ये इनएक्टिव होते बट नॉन रिजॉल्वेबल होते हैं। ट्रांस एल्कीन, अगर मैंने एक ट्रांस एल्कीन बनाया यहाँ पे लेट्स से CH3H CH3H, मैंने इसमें ऑस्मियम टेट्रोक्साइड डाला तो दोनों एच ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है मतलब सेम डायरेक्शन में लगेंगे बट एल्कीन ऑपोजिट रहेगा। तो अब सेम डायरेक्शन या तो दोनों OH ऊपर ऊपर लगा लो या तो दोनों OH नीचे साइड से लगा लो। तो यहाँ पे होगा CH3, बस यहाँ CH3 होगा क्योंकि ये ट्रांस है और H और H होगा, एक ये बन सकता है या फिर इस तरीके से आप बना सकते हैं कि दोनों ही OH आपके बिलो द प्लेन है। ठीक है, अगर आप इसको उल्टा करेंगे और इसको उल्टा करेंगे और फिशर बनाएंगे तो आप यही देख पाएंगे कि अगर लेट्स से दोनों में से किसी एक का फिशर बना दूं, लेट्स से मैं इसका फिशर बना देती हूँ, तो जब मैं इसका फिशर बनाऊंगी तो OH और OH इस डायरेक्शन में आ गया, CH3 के पैरलर है H और H के पैरलर है CH3। यहाँ पे अगर मैं इसका उल्टा फिशर बनाऊंगी तो जस्ट इसकी मिरर इमेज नजर आएगी, OH OH HCH3 CH3 H। तो अब ये दोनों बनने की इक्वल इक्वल प्रोबेबिलिटी है, और अगर इक्वल इक्वल दोनों की प्रोबेबिलिटी है 50-50% मतलब ये क्या बन गया मेरे, रिस्मिक मिक्सचर। तो मेरा पहला क्या था, ट्रांस पे एंटी एडिशन मीजो, अब क्या बनेगा, ट्रांस पे सिन एडिशन रिस्मिक। आप बस अगर ये याद रख लो ये दोनों, तो ये दोनों ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे, बस आपको ध्यान रखना है कि जहां जिस एल्कीन पे पहले एंटी एडिशन करा के मीजो बन रहा था उसी एल्कीन पे सिन एडिशन करा के रिस्मिक बन जाएगा एंड वाइस वर्सा। एम आई क्लियर, शैल आई रिमूव? यस मैम। राइट, तो यहाँ तक सबको बात समझ आएगी हम लोग जो है किस तरीके से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और वो सारी चीजें जो है कंपाउंड्स के अंदर नोटिस कर रहे हैं। अब जैसे आपने देखा सिस हाइड्रोक्साइलेशन, अब हम लोग स्टडी करते हैं बेटा यहाँ पे ट्रांस हाइड्रोक्साइलेशन।
जैसे सिस हाइड्रोक्सिलेशन के लिए आप लोगों ने स्टडी किया कि सिस हाइड्रोक्सिलेशन कराने के लिए आप एक रिएजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई एक रिएजेंट है ना, या तो आप ऑस्मियम टेट्रोक्साइड डायरेक्ट डाल दो या कोल डाइल्यूटेड KMnO4 डायरेक्ट डाल दो। लेकिन ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन के लिए एक रिएजेंट नहीं होता, एक से ज्यादा रिएजेंट आपको हमेशा ऐड करने पड़ते हैं। तो यहाँ का प्रोसेस होता है कि सबसे पहले आप पर एसिड ऐड करें, पर एसिड इपॉक्साइडेशन कराएं, देन आप लोग क्लीवेज ऑफ इपॉक्साइड कराएं। तो सबसे पहले समझते हैं इपॉक्साइड क्या होता है। इपॉक्साइड बेसिकली साइक्लिक ईथर्स होता है, दे आर साइक्लिक ईथर्स। तो जैसे सपोज आपके पास एक एल्कीन है, आपको ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन कराना है, तो सबसे पहले आपको इसे पर एसिड से रिएक्ट कराना पड़ेगा। पर एसिड जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड OOH, दिस इज अ पर एसिड। नाउ व्हाट इज अ पर एसिड, जैसे आप देखते हैं ये एसिडिक एसिड है OH, इस एसिड में अगर एक परऑक्साइड लिंकेज आ जाए, जैसे कि ये, दिस इज अ पर एसिड। तो हर एसिड जो भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका एक पर एसिड बन सकता है ना, तो बहुत सारे पर एसिड हो सकते हैं। जैसे ये मेरे पास अभी एक पर एसिड मेरे पास प्रेजेंट है, बस आप उसमें देखेंगे उस वो तीन ओ का होता है क्योंकि उसमें एक परऑक्साइड लिंकेज होती है। इसमें एक खास बात होती है कि ये वाला जो ओ होता है जो एच के जस्ट बगल वाला, लेट्स से मैंने इसे O18 मार्क कर लिया। रिएक्शन का मैकेनिज्म इस तरीके से होता है कि ये ओ जो जस्ट एच के बगल वाला है, ये ओ जो है इस एल्कीन पे ऐड हो जाता है, फॉर्मिंग अ साइक्लिक ईथर जिसको बोला जाता है इपॉक्साइड। और पूरा एंटायर मॉलिक्यूल अदर जो है वो निकल जाता है। मैकेनिज्म इज नॉट इंपॉर्टेंट अगेन, द पॉइंट इंपॉर्टेंट इज कि आप ये पहचान पाए कि इन तीन ऑक्सीजन में से कौन सा ऑक्सीजन इपॉक्साइड बनाता है। तो एच के जस्ट बगल वाला ऑक्सीजन जो है वो इपॉक्साइड बनाता है। अब इपॉक्साइड जब बन जाता है, क्योंकि अब इपॉक्साइड आप देख पा रहे हैं कि एल्कीन प्लेनर है, तो ये जो थ्री मेंबर रिंग बना है ये इधर अबव द प्लेन बना होगा या फिर बिलो द प्लेन बना होगा, है ना। तो लेट्स से कि ये वाला इपॉक्साइड मेरा अबव द प्लेन बना है, लेट्स अज्यूम। और ऐसा भी हो सकता है कि इपॉक्साइड बिलो द प्लेन बने, तो दोनों पॉसिबिलिटीज मैं आपको यहां दिखा देती हूं। साथ साथ ये भी पॉसिबल है कि दोनों इपॉक्साइड जो है, ये वाला इपॉक्साइड जो है वो बिलो द प्लेन बने, ठीक है। और इस पे फिर आपने क्लीवेज करी, और क्लीवेज किस तरीके से आपने करी, आपने यहाँ पे जो है एसिडिक मीडियम की क्लीवेज भी कर सकते हो, बेसिक मीडियम की भी कर सकते हो। जो डिटेल इपॉक्साइड का क्लीवेज है आप क्लास 12th में हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगा अल्कोहल ईथर फिनॉल, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्लीवेज कैसे होती है, किस तरीके से होती है। अभी हम उसमें नहीं जा रहे, अभी मेरा कंसर्न है सिर्फ आपको एडिशन रिएक्शन पढ़ाना, ठीक है। तो बस आप इतना समझिए कि लेट्स से मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया OH- इन वाटर, बेसिक मीडियम का क्लीवेज। तो अगर ये अबव द प्लेन बनाए तो ये OH- बिलो द प्लेन अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाए। तो अब आप देखेंगे कि ये वाला जो एच है ये बिलो द प्लेन अटैक किया है, OH लग गया, और ये अबव द प्लेन ऊपर की तरह खुल गया O18, इस पे नेगेटिव चार्ज आया जिससे वाटर ने एच दे दिया, तो ये बन गया। तो आप देख पा रहे हैं दो OH लग गए हैं, बट अगेन दोनों OH कहां लगे हैं, एक अगर बिलो द प्लेन तो एक अबव द प्लेन। सेम चीज यहां होगी, अगर ये अबव बिलो द प्लेन बनाए तो ये OH कहां से अटैक कर रहा होगा, अबव द प्लेन, और अगर ये अबव द प्लेन अटैक कर रहा है मतलब ये बिलो द प्लेन खुल रहा है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो दो OH लग रहे हैं ये क्या लग रहे हैं एक दूसरे के, एंटी, दिस इज एंटी हाइड्रोक्साइडेशन। राइट, तो एंटी हाइड्रोक्साइडेशन कराने के लिए आप पहले इपॉक्साइड बनाते हैं इधर अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन यूजिंग पर एसिड्स, और पर एसिड्स आपके पास काफी सारे तरीके के हो सकते हैं, जैसे मैंने एक आपको लिखकर दिखाया। वैसे एक बहुत कॉमन पराक्साइड है MCPBA जो इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। मेटा पे लगाओ क्लोरो और बेंजोइक एसिड होता है COH, पर ये पर एसिड है मतलब COOH। तो सपोज मैंने इस पे या इस O पे एस्ट्रिक लगा दिया, तो ये वाला जो O है एस्ट्रिक वाला, यही वाला इपॉक्साइड बनाएगा। बात सबको समझ आ रही है? तो अगर आपको
आपको ट्रांस हाइड्रोक्साइलेशन कराना है तो आप MCPBA यूज करेंगे फॉलोड बाय एसिड क्लीवेज करा सकते हैं, या तो आप इस तरीके का क्लीवेज करा सकते हैं या फिर H प्लस वाटर डाल के भी क्लीवेज करा सकते हैं। एसिड कैटलाइज क्लीवेज भी करा सकते हैं, बेस कैटलाइज क्लीवेज भी करा सकते हैं। डिटेल मैकेनिज्म एसिड कैटलाइज क्लीवेज और बेस कैटलाइज क्लीवेज का हम लोग क्लास 12 के चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी इसकी अभी इसमें नहीं जाना है, ये काफी बड़ा टॉपिक है। अभी बस आप इतना समझे कि ट्रांस ऑक्सिस हाइड्रोक्साइलेशन किस तरीके से कराया जाए। यहाँ तक सबको बात क्लियर है, कोई डाउट? मैम हाँ जी मैम, जिससे हमने ये किया है ये सब हमने सिमेट्रिक एल्कीन्स पे किया है मैम, अगर कोई डिसिमेट्रिक एल्कीन आ जाता कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मार्कोनिक ऑफ रूल या ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि कार्बोकेटायन टाइप कुछ नहीं बन रहा है ना, तो इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, कोई मार्कोनिक चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो, द प्रोडक्ट्स रिमेन दिस वे ओनली, राइट। अगर यहाँ पे इथाइल भी लगा देती मैं तो यही प्रोडक्ट रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज, ठीक है। चले आगे, चलो थोड़ा सा डिसिमेट्रिकल एल्कीन की बात हुई है तो मैं एक थोड़ा सा और चीज आप लोगों को यहाँ बताना चाहती हूँ। शैल आई रिमूव दिस? यस मैम। अब क्योंकि बात हो गई है तो अब छोटा सा एक चीज मैं लेकर आती हूँ, हालांकि हम ईथर की क्लीवेज में पढ़ते हैं बट मैं आपको यही बता देती हूँ कि जब आप जैसे कि एक आपने एल्कीन ले लिया इस तरीके से, ठीक है, आपने सबसे पहले इसमें एक पर एसिड डाला MCPBA, आपका क्या बन गया एक इपॉक्साइड, इस इपॉक्साइड को आपने फिर क्लीवेज करा दिया या तो बेसिक मीडियम में या एसिडिक मीडियम में, तो ये अटैक होगा, ये यहां से खुलेगा और आपको ये मिल जाएगा, है ना। अभी आप देख रहे हैं प्रोडक्ट तो सेम है, किसी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज होगी चाहे सिमेट्रिकल एल्कीन है चाहे अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, क्योंकि रीअरेंजमेंट का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। थोड़ा सा ये ट्रिकी इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं कि ये क्या करें कि एल्कीन दिया फिर यहाँ एक पैरासिड दिया जैसे CH3C(OOOH) जैसे मैंने पहले कराया था और O18 लगा दिया पहला, और दूसरे में हमने क्या किया H+ वाटर डाल के क्लीवेज करा दिया और प्रोडक्ट ए बना दिया, और फिर इसी एल्कीन पे यही वाला परासिड डाला और बेसिक मीडियम में क्लीवेज करा दिया और बी बनाया, और पूछा जाए मतलब इसमें वो क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंट होंगे सेम होंगे या क्या होंगे, तो यहां तक तो आपको समझ आ रहा है कि इपॉक्साइड तो यार दोनों में सेम ही बनेगा, जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ क्लीवेज में आएगा, इपॉक्साइड की क्लीवेज में। तो मैं वो थोड़ा सा एक ग्लिम्स दे देती हूँ आपको इपॉक्साइड क्लीवेज का, हालांकि वो बहुत डीप स्टडी है, हम लोग करेंगे आगे, बट थोड़ा सा एक ग्लिम्स दे देती हूँ। वो क्या है कि अगर आप एक इपॉक्साइड बना रहे हैं और इस इपॉक्साइड का बेसिक मीडियम में क्लीवेज कर रहे हैं, तो बेसिक मीडियम में जो क्लीवेज होता है उसमें जो बेस होता है OH- ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है always attack from less sterically hindered side, always attack from less sterically hindered side, ये prefer करता है कहां से attack करना, less sterically hindered side से attack करना prefer करता है। तो suppose अगर इस वाले पे मैंने ये वाला O18 epoxide बना दिया और basic medium का cleavage कराया है, तो अगर मेरे पास दो carbon है तो OH- कहां से अटैक करना चाहेगा, लेस स्टेरिकली हिंडर साइड से, मतलब ये कहां से अटैक करेगा, सबसे पहले कहां अटैक करेगा, यहां पे, क्योंकि ये कार्बन हिंडर्ड नहीं है, इस कारण भी एक CH3 प्रेजेंस होने की वजह से हिंडर्ड है, तो अगर ये इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहां से खुलेगा, और अगर ऐसा हुआ तो क्या बनेगा, O18 वाला तो इधर चला गया H नेगेटिव चार्ज और OH यहां लग गया, बोलो हाँ या ना, ये सबको समझ आया है कि इस वाले कार्बन पे OH लगाया और इस वाले कार्बन पे क्या लगाया, O18H लगाया, बात क्लियर है? हम दोबारा बता दीजिए, वापस से बताऊं तो ये है कि OH नेगेटिव, जब आप बेसिक मीडियम पे ईथर का क्लीवेज करते हो तो बेस हमेशा लेस स्टेरिकली हिंडर साइड से अटैक करना चाहते हैं, मतलब ये O जो है OH जो है यहां से अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहां से खुलेगा, तो जब ये खुलेगा तो O18 वाला O जो है वो इस कार्बन पे जुड़ेगा ना, O18 OH यहाँ आएगा और यहाँ पे खाली OH आएगा, है ना। वहाँ पे हिंड्रेंस कम कैसे है,
क्योंकि यहाँ पे दो एच है, यहाँ पे एक एच और एक सी एच थ्री, एक बड़ा ग्रुप है, तो बड़ा ग्रुप की वजह से भीड़ भाड़ रहेगी, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी। मैम कार्बोकैटायन जो बीच वाला कार्बोकैटायन बन रहा है, मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बनाया हमने नहीं। तो फिर कार्बोकैटायन क्यों देख रहा है? मैंने तो हिंड्रेंस की बात करी, भीड़ भाड़ की बात करी। तो जहाँ बड़े ग्रुप्स होंगे वहाँ भीड़ भाड़ होगी, जहाँ बड़े ग्रुप्स नहीं होंगे वहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी। यहाँ कार्बोकैटायन नहीं है, बेसिक मीडियम में देयर इज नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, समझ रहे हैं? कभी भी नहीं होता, नहीं होती बेसिक मीडियम में कभी भी कार्बोकैटायन, ठीक है? ओके, एसिडिक में होती है, वही बताने जा रही हूँ मैं, ठीक है? तो सपोज आप एसिडिक मीडियम क्लीवेज करेंगे तो क्या होता है? हालांकि इसमें भी बहुत सारी आगे वेरिएंट्स आएंगे, बट बाद में लेंगे उन सबको, अभी बस इतना बता देती हूँ कि अगर आप इसे एसिडिक मीडियम में क्लीवेज करते हैं H प्लस वाटर के साथ, तो क्या होता है? सबसे पहले H प्लस जो है वो प्रोटोनेट कर देता है इस ऑक्सीजन को जिस पे लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है? तो जब प्रोटोनेट कर देगा तो क्या होगा? इस पे H प्लस लग जाएगा O18 वाले पे इस तरीके से, और इस पे जब O पे प्लस चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, ठीक है? क्योंकि O पे प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो ये वही वाला टाइप हो गया हैलोडियम आयन वाला जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कि यहाँ से पुल करेगा तो डेल पॉजिटिव यहाँ आएगा और यहाँ से पुल करेगा तो डेल पॉजिटिव यहाँ आएगा। हालांकि कार्बोकैटायन नहीं बन रहा यहाँ पे, बट फिर भी यहाँ से पुल करेगा वो, क्योंकि ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव कैन नॉट टेक अ पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ डेल पॉजिटिव आएगा। और फिर जो आपने वाटर डाल रखा है ना, दिस वाटर विल गोइंग टू अटैक ऑन दिस कार्बन एंड दिस बॉन्ड विल ब्रेक फ्रॉम हेयर, एंड एट द एज द रिजल्ट यू विल फाइंड कि वाटर का ओ एच तो यहाँ लगा है और ओ एटीन एच यहाँ चला गया है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एसिड कैटलाइज्ड क्लीवेज ऑफ ईथर्स और इपॉक्साइड्स, इन एसिड कैटलाइज्ड क्लीवेज ऑफ ईथर्स और इपॉक्साइड्स, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम दैट कार्बन ऑन दैट कार्बन दैट कैन सपोर्ट अ बेटर कार्बोकैटायन। तो ये डिफरेंस आ सकता है अगर क्वेश्चन में ओ एटीन लगा दिया जाए, ठीक है? तब डिफरेंस आए। अगर ये ओ एटीन ना हो, सपोज ओ ही हो, तो आप ये बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, आपका प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द डे क्या बनेगा? सेम बनेगा। बट अगर ओ एटीन लग गया और एक जगह आप एसिड कैटलाइज क्लीवेज कराएं और एक जगह आप बेस कैटलाइज क्लीवेज कराएं, तो क्लीवेज का मैकेनिज्म अलग होने की वजह से प्रोडक्ट्स अलग बनते हैं। बेस कैटलाइज में हमेशा ओ एच माइनस पहले अटैक करता है तो हमेशा लेस स्टेरिकली हिंडर साइड अटैक करता है, और एसिड कैटलाइज में सबसे पहले H प्लस प्रोटोनेट करता है, जिस वजह से जिस कार्बन पे अच्छा पॉजिटिव चार्ज आ सकता है वहां ये डेल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है और वहां पे वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, एंड हेंस यू कैन फाइंड द डिफरेंस किस प्रकार से लगा। दोनों जगह OH है, लेकिन अगर मैंने लेबल कर दिया तो आप डिफरेंस बना पाएंगे इन प्रोडक्ट्स में किस तरीके के डिफरेंस है। ये बात सबको समझ आई है? हम एक चीज पूछनी है, ये जो बेसिक मीडियम में कार्बोकैटायन नहीं होता, क्योंकि बेसिक मीडियम में कार्बोकैटायन बनाने के लिए बेटा आपको एक इलेक्ट्रॉन पुल करवाना पड़ेगा ना कहीं से, कहीं पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा, तो बेसिक मीडियम में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने के लिए तूने कोई इलेक्ट्रोफाइल डाला ही नहीं है, तूने वाटर भी एक न्यूक्लियोफाइल है, OH- भी एक न्यूक्लियोफाइल है, तो सीधा अटैक ही होगा ना। बट एसिडिक मीडियम में तूने एक इलेक्ट्रोफाइल डाला है जिसने प्रोटोनेट करके एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट करा है, जो कि फर्दर कार्बोकैटायन टाइप चीजें जनरेट करा रहा है। तो ऐसा थोड़ी कि कार्बोकैटायन बनेगा, बनाने के लिए भी तो कोई एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएटर भी तो चाहिए जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर सके। मैंने ऐसा कुछ डाला ही नहीं है जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर सके, मैंने सीधा न्यूक्लियोफाइल से डाले, समझ रहे बात को? यस राइट, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? एनी डाउट? तो आज की क्लास में हम इतना ही स्टडी करते हैं, रेस्ट वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर क्लास टुमारो और मे बी डे आफ्टर टुमारो, आई विल इन्फॉर्म एवरीबॉडी, राइट? अभी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज लेट्स वाइंड अप। चलिए मैम, हाँ जी, हम वर्ष का वीडियो भेज दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी बेटा, बना दूंगी। अच्छा, आज कल वाली क्लास का, कल वाले का भी, और मैंने वो ऐप में डाल दिया, तू ऐप में है क्या, देख पाएगा ऐप में? ऐप में अच्छा से देखता हूँ। नहीं तो कोई नहीं, मैं लिंक सेंड कर देती हूँ।
और आज का भी वीडियो रात तक अपलोड कर दूंगी, तो जिसको लिंक चाहिए हो तो प्लीज मुझे बता देना, अदरवाइज ऐप पे तो मैं अपलोड कर दूंगी। बट आई सपोज ऐप में अभी कुछ टाइम के लिए शायद आज कुछ सर्वर का इशू चल रहा है, तो अगर आप लोगों को आज कोई वीडियो देखना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, आई सेंड यू द लिंक, राइट। चलिए, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम।